अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिशावरी खीर तैयार करेंगे। पिशावरी खीर तैयार करने के लिए तकरीबन 3 लीटर दूध लूंगी। ये 1 लीटर है और भी मैं डालूंगी, तो 3 लीटर दूध होगा। लगभग 2 से 3 के दरमियान में दूध लूंगी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा गाढ़ा करके दूध को बनाना हो, ऑल पर ऑलरेडी गाढ़ा दूध होता है, इसलिए मैं कुछ नहीं इसमें यूज कर रही। लेकिन अगर गाढ़ा करना हो तो 1 कप खुश्क दूध शामिल कर लें इसमें। अगर आप लोग खुला दूध जैसे बाजार का आता है वो थोड़ा पतला होता है, तो उसमें 1 कप ड्राई मिल्क शामिल कर लीजिएगा। ऑलपर्स ऑलरेडी गाढ़ा है तो मैं सिर्फ ऑलपर्स से ही बनाऊंगी। साथ में 1 कप शुगर जाएगी। 3 से 4 इलायची के दाने ले लें, छोटे बड़े होते हैं तो उसके हिसाब से। 1 कप चावल 1 घंटे तक भगोने के बाद इसको हमने फैला देने और ड्राई कर लेने हैं। 1/2 कप के करीब इसमें बादाम है। अब सबसे पहले जिस पैन में हमने अपनी खीर तैयार करनी है उसी में ये बादाम डाल के अच्छा सा हमने इसको भून लेना है, ताकि करकरारे से हो जाए। भूनने के बाद रूम टेम्परेचर पे हमने इसको ठंडा करना है। जब ये करकरारे हो जाते हैं तो ग्राइंड करना आसान होता है। इसको हमने असल में चॉप करना है, बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आना। साथ साथ दिखाती जाऊं, चावल को मैंने पानी अच्छा सा खुश करके इस तरह थाल के ऊपर फैला के मैंने इसको हवा लगा ली, पंखा चला के रखा है। ये फ्रेरे हो गए हैं, तो ये बादाम निकालने के बाद हम चावलों को भी इसी तरह भूनेंगे। अगर आपके पास बादाम ना हो तो कोई और ड्राई फ्रूट डाल लें, पिस्ता होता है, काजू होता है, वो डाल के आप बना सकती हैं। बादाम निकालने के बाद अब हम चावल इसमें डाल के भून लेंगे, और बहुत ज्यादा देर नहीं भूनना, हल्का सा ही भूनना है कि इसमें जो नमी है चावलों में, पंखे के नीचे रख के हमने पानी तो खुश कर लिया लेकिन चावलों के अंदर नमी है वो हमने बस खत्म करनी है। इतनी देर हमने इसको भूनना है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं भूनना। और हमने इसको हल्की आंच ही की हुई है बर्तन की, तेज आंच पे नहीं हम भून रहे। चावल के भूनने की खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। पिशावरी खीर में आपको जो ब्राउन कलर चाहिए होता है उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल बाजार में भी खीर इसी तरह तैयार की जाती है। अब सबसे पहले हमने चीनी डालनी है। चीनी 1 कप मैंने लिया है। 1 कप चीनी में को हमने इतनी देर पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का सा इसमें ब्राउनिश बन आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा ब्राउनिश पर नहीं लाना है। हल्की आंच पे ही हम इसको बना रहे हैं। ये आस्ता आस्ता चीनी घुलना शुरू हो जाएगी और इसमें कलर आ जाएगा। मस्टर्ड से थोड़ा सा तेज और ब्राउन से थोड़ा सा कम रखेंगे, वरना चीनी में करवाट सी आ जाती है और वो खीर में भी आ जाएगी, तो वो खीर फिर मजे की नहीं लगेगी। ना इसमें खोया डालने की जरूरत है, ना कंडेंस मिल्क, और ये जो है इसमें कलर भी बड़ा प्यारा आता है उसके बगैर ही। बस इसको हमने अभी पकाते रहना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, वरना ये नीचे लग के कड़वी हो काली हो जाएगी चीनी। ये चीनी को देखिए, हमने 5 से 7 मिनट हुए होंगे इतना हमने इसको पकाना है, और ये देखें इसमें कलर आ गया है। ना बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन है और ना ही मस्टर्ड कलर है, ये बीच का ही ऐसे हल्का सा कलर आया है। इससे ज्यादा डार्क करेंगी तो चीनी में करवाट आ जाएगी। अब हमने दूध जो रखा हुआ था वो डालेंगे, और दूध डालते हुए आंच बिल्कुल हल्की कर दिएगा, वरना छींट आने पर
ये बहुत डेंजरस हो जाता है। जो शीरा चीनी पक्की भी होती है, दूध जो क्या हमारा रूम टेम्परेचर का ठंडा दूध था, तो ये जब चीनी जो है वो नीचे हमारी, मैं अब दूध डाल चुकी हूँ दिखा नहीं सकती, लेकिन चम्मच चलाएंगी तो चीनी अंदर नीचे बैठ चुकी है, यानी उसके साथ ऐसा लग रहा है कि चिपकी भी है। लेकिन इसकी फिक्र की कोई बात नहीं है, अभी ये दूध थोड़ा सा गर्म होगा, ये साथ साथ ही मेल्ट होके ये चीनी भी साथ साथ घुल जाएगी। अब दूध डालने के बाद जो 3 अदद इलायची रखी हुई थी हमने, वो भी इसमें डाल देंगे और ये थोड़ा सा पकने देंगे इसको। तकरीबन हमने इसको 20-25 मिनट पकाना है दूध को, मीडियम आंच के ऊपर हम इसको पकाएंगे, बहुत तेज आंच पे नहीं बनाना हमने। और चम्मच चलाती रहे तो चीनी ये देखें ये चीनी इस तरह ये उखड़ना शुरू हो गई है चीनी। और फिर ये दूध में घुल भी जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। चावल रूम टेम्परेचर पे हमने ठंडे कर लिए, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। चॉप करना है, बिल्कुल भारी पाउडर नहीं करना है। ये करीब से इसीलिए दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आए, हल्का सा दानेदार ये बना है, दानेदार चावल हो गया है। बस इस कंडीशन में हमने दूध को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हमने इसमें ऐड करना है चावलों के बाद उसी में हमने बादाम भी अपने चॉप कर लेना है। दूध को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, ये देखें क्या 10 मिनट में ही कितना प्यारा कलर इसमें आया है। ये चीनी की वजह से, अगर इसमें तेज कलर भी आप लोगों को जैसे बिल्कुल बाजार में ब्राउनिश सी खीर मिलती है वो कलर लेना हो, तो चीनी का कलर थोड़ा सा डार्क कर लें। और ये दूध इतना पक चुका है कि नीचे से जो चीनी चिपकी थी, जो शीरा सा था, वो हमारा बिल्कुल घुल चुका है इसके अंदर। अब हमने इसमें चावल जो अपने चॉप किए हैं वो डाल देंगे। चावल के साथ ही बादाम जो है वो भी डाल देंगे। और ये सब चीजें डाल के हमने इसको फिर पकने के लिए रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। चावल डाल दिए, साथ बादाम ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं बता चुकी हूं, बादाम ना हो तो आप बेशक ना डालें, ये सिर्फ टेस्ट के लिए डाले जा रहे हैं। बादाम हेल्दी चीज है, वैसे इस्तेमाल में रखना चाहिए। बस इसको हमने पकाना है 10 मिनट तकरीबन और पकाएंगे इसको। जी नाजरीन, इसको हमने जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट और पकाया था, 10 मिनट पहले पकाया, फिर चावल और हमने बादाम जो वो चॉप किए हुए थे वो डाल के इसको 15 से 20 मिनट और पकाना है। देखें कलर कितना प्यारा आया है इसमें, बस ज़्यादा हमने और कुछ भी नहीं डाला, जबकि फिर भी मज़ेदार सी तैयार हो गई है। ऊपर हमने गार्निश के लिए अपनी पसंद के हिसाब से चांदी का वर्क लगा रही हूँ, और मैंने इसको मिट्टी की हांडी में सर्व कर रही हूँ। आप मिट्टी का प्याला ले लें या नॉर्मल घर का कोई सा भी बर्तन इसके ऊपर, और साथ थोड़े से बादाम मैंने कट करके वो रखे हैं वो डाल देंगे। बस ये
खीर हमारी ठंडी करें और फिर खाएं। ठंडी ठाठ सी खीर बड़े मज़े की रेडी है बिल्कुल। बस उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।